अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ये नॉक्स का है, 10 किलोवाट का, थ्री फेज में ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। इसके साथ मैक्सिमम जो सोलर इनपुट है वो कितनी है? 15 किलोवाट। मीन्स के आप बड़े पैनल्स भी बासानी इसके साथ लगा सकते हैं। और इसके MPPT रेंज कितनी है, मतलब कि MPPT कितने हैं इसके साथ? दो MPPT के साथ। तो इसके साथ सोलर जो इनपुट है वो इसके साथ कितनी है? देखें, ये बेसिकली 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है। इसमें जो PV कैपेसिटी है वो 15 किलोवाट तक है। 15 किलोवाट, ठीक है। और 15 किलोवाट इसमें कंट्रोलर दो हैं, एक 26 एम्पीयर का है, शॉर्ट सर्किट 40 है, और एक 13 एम्पीयर का है, शॉर्ट सर्किट उसका 20 है। इसमें कोई भी दुनिया का पैनल आप इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, 700-600 कोई भी वाट, 800 वाट कोई भी लगा सकते हैं। 15 किलोवाट की सोलर इनपुट से ये जनरेशन कितनी देगा नेट अमाउंट में एनर्जी लॉसेस के बाद? देखिए, एनर्जी ये जो पीक जा सकता है ना, जहाँ पे ये लॉक हुआ है, वो 11 किलोवाट। 11 किलोवाट, हाँ। मतलब मैक्सिमम आउटपुट भी हम इससे 11 किलोवाट तक ही 11 किलोवाट है, 10 किलोवाट है, 10 किलोवाट ये दे सकता है, 11 किलोवाट दे सकता है। ठीक हो गया। और इसकी जो 2 MPPT स्ट्रिंग्स हैं इसके साथ, तो 2 MPPT स्ट्रिंग्स में जो है हम 1 MPPT पे कितने सोलर इनपुट कर सकते हैं? आप पूरी दे सकते हैं, पूरी दे सकते हैं। और 600 वाट के जो है 20 पैनल दे दें इसको, और उसके अलावा जो है 1 MPPT के बाद जो है आया कि हम इसके साथ 150-250 के जो है हम इसके साथ सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं एक ही साथ, या फिर हमें एक ही स्ट्रिंग में जो है एक ही सीक्वेंस के सोलर पैनल। कंट्रोलर इसका अलग है, एक के ऊपर 600 वाट के पैनल लगा लें, उसमें हमने 200 लगाना है, 100 लगाना है, 300 वाट लगाना है, कोई इशू नहीं है, कोई भी लगाना है लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि जो इसकी सोलर रेंज है उससे बाहर नहीं जा सकते, उससे बाहर नहीं जा सकते, वो इसकी 1100 वोल्ट तक है। 1100 जो VOC है। इसकी जो प्राइस है इस वक्त पाकिस्तान में इसकी कितनी प्राइस है? इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 165 पे है। 165, हाँ जी। 10 किलो, 5 ईयर फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ, 5 ईयर्स फ्री, ठीक है। ऑन डोर आपको इसकी वारंटी मिलेगी, सबसे ऑन डोर मिलेगी। ठीक हो गया, ठीक है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? शाहजेब साहब ने जी बहुत अच्छा गाइड किया है सोलर इन्वर्टर के बारे में। 10 किलो वाट का है ये सोलर इन्वर्टर, लेकिन 11,000 वाट तक जो है आप इसके साथ जो है मैक्सिमम जो आउटपुट है वो ले सकते हैं। 2 MPPT रेंज है इसकी, और इसमें हीट सिंक्स भी आपको देखा होगा, फैंस भी लगे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा हीट सिंक्स भी लगे हुए हैं। ये MC4 कनेक्टर्स आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ 2 स्ट्रिंग्स हैं इसके साथ MPPT की, और 15,000 वाट तक की जो है इसके साथ आप सोलर कैपेसिटी अटैच कर सकते हैं। ये वायर इन्वर्टर 10 किलोवाट, जिसमें फैन भी है, हीट सिंक्स भी है और फैन भी है। ये जब 55 या 60 से ऊपर जाएगा तो फैन ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे, जो कि किसी भी और इन्वर्टर में पूरे पाकिस्तान में नहीं है। 10-15-20 किलोवाट किसी को मैं दिखा देता हूँ फैन। 16 जी व्यूवर्स, तो ये थी इसकी वीडियो। इसके बारे में क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।